फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मनी प्लांट को सपोर्ट देने के लिए कॉयर स्टिक किस तरह से हम घर में बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एक मनी प्लांट शो कर रही हूँ कि ये मेरा मनी प्लांट जो है ये स्टेयर्स एरिया के इस कॉर्नर में रखा हुआ है, और देख रहे हैं हम कुछ इस तरह से ये पूरी तरह ग्रिल को कवर करता हुआ ऊपर चढ़े जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर हम इसे छोड़ दें तो धीरे धीरे फ्रेंड्स ये प्लांट पूरी ग्रिल को कवर कर लेता है, और फिर बाद में जब हम इन फ्यूचर कभी सोचें कि इस प्लांट को हम यहाँ से शिफ्ट करें या हटाएं, तो हम बगैर कट किए इस प्लांट को यहाँ से हटा नहीं पाएंगे। तो क्योंकि ये ग्रिल को पूरी तरह से जकड़ लेता है, कवर कर लेता है, और फिर इसे ब्रांचेस वाइज खोल के सेपरेट करके अलग करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसी स्थिति में फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम अपने मनी प्लांट को कट कर दें, स्टेम को कट करें और फिर हम उस पॉट को हटाएं, या फिर हम इसे हमेशा के लिए यहीं रहने दें। तो क्योंकि प्लांट की भी हमें टाइम टू टाइम सफाई करनी पड़ती है, जगह की सफाई करनी पड़ती है, तो प्लांट को हमें बहुत बार शिफ्ट भी करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो हम कभी इस कॉर्नर को क्लीन नहीं कर सकेंगे, प्लांट की क्लीनिंग नहीं कर सकेंगे, और प्लांट हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। और मनी प्लांट को परमानेंट एक जगह फिक्स करने की बजाय अगर हम उसमें कॉयर स्टिक लगा दें और उस पर अगर हम प्लांट के स्टेम, मनी प्लांट के स्टेम को चढ़ने दें और उसकी ग्रोथ होने दें, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम प्लांट को शिफ्ट भी कर सकते हैं, चाहे मर्जी वहाँ रख भी सकते हैं। तो मनी प्लांट को किसी वॉल के सहारे, ग्रिल के सहारे चढ़ाने से बेहतर होता है कॉयर स्टिक के सहारे ही ग्रो किया जाए। तो कॉयर स्टिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है मनी प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए, क्योंकि मनी प्लांट के जो ये स्टेम होते हैं इसमें एरियल रूट्स होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट अपनी जो न्यूट्रिशन, जो एनर्जी प्लांट को चाहिए होती है वो प्लांट लेते रहता है। और कॉयर स्टिक क्योंकि मॉइस्ट रहता है और मिट्टी के साथ टच रहता है, तो जिससे कि प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मेरे इस प्लांट की ग्रोथ अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छी चल रही है और इसे मुझे देना है कॉयर स्टिक का सपोर्ट। तो पहले मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं कॉयर स्टिक बनाती हूं, फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ इस प्लांट को किस तरह से यहां से सेपरेट करके मैं कॉयर स्टिक के सहारे इसे चढ़ाऊंगी वो भी शेयर करूंगी। तो आज शेयर कर लेते हैं हम कि किस तरह से कॉयर स्टिक हम बनाते हैं, वो भी घर में और विदाउट एनी कॉस्ट, किसी भी तरह का खर्च किए बगैर मैं आज आपके साथ कॉयर स्टिक मनी प्लांट को सपोर्ट देने के लिए कॉयर स्टिक बनाना शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा कूलर का वुल पैड, जिसे हम नॉर्मल भाषा में घास कहते हैं। और ये जो है ये बिल्कुल मेरे पास वेस्ट है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि कूलर से क्लीन एयर पाने के लिए, यानी ठंडी हवा पाने के लिए, हमें उसमें साल में एक बार उसकी जो ये वुल पैड होता है इसे हमें चेंज करना पड़ता है। और चेंज करने के बाद ये जो निकल आता है ये बिल्कुल हमारे पास वेस्ट हो जाता है। तो इसे फेंकने की बजाय आज मैं इसी से अपने मनी प्लांट को सपोर्ट देने के लिए जो मॉस स्टिक बनाया जाता है वही मैं आज इसी से बनाऊंगी। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल वेस्ट सामान से मैं आज बना रही हूँ, और इससे बहुत ही अच्छा हमारा मॉस स्टिक बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छा एक यूज़ हो जाता है हमारा वेस्ट सामान का। तो चलिए फिर देखते हैं। तो पहले मैं ले रही हूँ कुछ इस तरह से ये वुल पैड, जो कि मेरे पास इस तरह से है, तो जितना मुझे चाहिएगा मैं उस अकॉर्डिंग ले लूँगी। और साथ में मुझे स्टिक के लिए मैं ले रही हूँ इस तरह से एक पाइप, तो मैं ले रही हूँ एल्युमिनियम का पाइप। अगर आपके पास प्लास्टिक पाइप हो तो आप वो लीजिए, क्योंकि प्लास्टिक ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पानी के संपर्क में यानी मिट्टी के संपर्क में हमें इसे रखना है, तो वो प्लास्टिक पाइप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अगर आपके पास प्लास्टिक का पाइप है यानी पीवीसी पाइप है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यही है तो इसीलिए मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। और घास को अच्छी तरह से बांधने के लिए कुछ रस्सियों की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, तो इसके लिए मैंने लिया है कुछ
कुछ जूट रोप जो कि इसे हम बांधने में यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से हम बिल्कुल वेस्ट सामान से हम एक खूबसूरत सा कॉयल स्टिक बना लिए, जिसको हम नॉर्मली मॉस ग्रास कहते हैं और जो मनी प्लांट को स्टैंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वैसे भी लॉकडाउन की वजह से हम इसे परचेस नहीं कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसे कि हम घर के वेस्ट को भी यूज़ कर लें और एक खूबसूरत सा मॉस स्टिक अपने मनी प्लांट को स्टैंड करने के लिए बना सकें। तो आज का वीडियो मेरा बस ये मॉस स्टिक का ही था। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस मॉस स्टिक को मैं अपने मनी प्लांट में किस तरह से सपोर्ट दे रही हूं और अपने मनी प्लांट को सेपरेट करके एक अलग सा लुक दे रही हूं। तो उम्मीद करती हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल वेस्ट सामान से मैंने जो ये मॉस स्टिक बनाया ये आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड इसे सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।